उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीएम योगी से लेकर नेताओं की नाराजगी और कैबिनेट में बड़े फेरबदल की खबरों के बीच अब पूर्व आईपीएस अधिकारी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी के साथ एके शर्मा ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक काम किया है। वहीं आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले एके शर्मा ने अचानक बीआरएस ले लिया था और एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था, जिसके बाद यूपी के योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तक जाना पड़ा था। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में एके शर्मा उत्तर प्रदेश से भाजपा के एमएलसी हैं। यदि खबरों की मानी जाए तो एके शर्मा के दिल्ली से यूपी पहुंचने पर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में खबरें ऐसी भी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है, जिसके बाद भाजपा ने इन सभी खबरों को भ्रामक करार दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज से। धन्यवाद।